Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by the brand Aqualogica. So this is their Radiance Lush Stroke Cream. So this is how the product looks like. सो गाइज काफ़ी टाइम से ना मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक क्रीम्स को ट्राई करो. सो गाइज अगर मैं सच्ची बात बोलूँ तो मैक की स्ट्रोक क्रीम का जो ड्यूप है ना वो तो मुझे बहुत ही कम मिला है मार्केट में. ठीक है, इकाई की एक स्ट्रोक क्रीम है जिसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है, वो काफ़ी क्लोज ड्यूप है मैक की स्ट्रोक क्रीम का. हाउ एवर एक्वालॉजिका की स्ट्रोक क्रीम भी काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे ट्राई आउट करने के लिए. सो आई हैव दिस इन द वेरियंट पिंक ग्लो और मैंने इसको काफ़ी टाइम से ट्राई आउट कर रही हूँ. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर कर दूँ. सो सबसे पहली बात, ये स्ट्रोक क्रीम होती क्या है? तो स्ट्रोक क्रीम एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर में थोड़ी सी शाइन ऐड की होती है. सो उसको आप एज अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर मत यूज़ करो, क्योंकि जब हम मॉइस्चराइज करते हैं अपनी स्किन को उसके ऊपर हम सनस्क्रीन लगाते हैं. ठीक है, तो ये एक मॉइस्चराइजर कम प्राइमर कम एक ग्लोई प्रोडक्ट है. सो इसको आप एज अ ग्लोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. आप इसे मेकअप के अंडर भी यूज कर सकते हो. ये मैं किसी भी स्ट्रोक क्रीम की बात कर रही हूँ. ठीक है, आप इसे मेकअप के अंडर भी यूज कर सकते हो, विदाउट मेकअप भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर ऑफ द स्ट्रोक क्रीम और आप कितनी देर के लिए बाहर हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप. कुछ लोगों की स्किन टाइप ऑयली होती है, सो ऐसा होता है ना, स्ट्रोक क्रीम ऑलरेडी इतनी शाइन प्रोवाइड करती है और ऑयली स्किन में हमेशा यू नो शाइन रहता ही है क्योंकि उसमें ऑयल निकलता रहता है. तो हो सकता है आपको स्ट्रोक क्रीम्स पसंद भी ना आए. सो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप आपको यूज करनी चाहिए स्ट्रोक क्रीम. अगर आप मैट फाउंडेशन लगाते हो लेकिन आपको ड्यूई फिनिश चाहिए, लेकिन आपकी स्किन पे ड्यूई फाउंडेशन को ज्यादा ही शाइन करता है, तो आप उसके अंडरनीथ स्ट्रोक क्रीम को यूज कर सकते हो. फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो, डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, हाई पॉइंट्स पे यूज कर सकते हो एज अ हाईलाइटर, नेचुरल हाईलाइटर. सो देयर आर मल्टीपल यूजर्स ऑफ अ स्ट्रोक क्रीम. ठीक है, तो अब आपको कौन सी स्ट्रोक क्रीम लेनी चाहिए, अगेन ये टेक्सचर पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का लुक चाहते हो उस पे डिपेंड करता है. बहुत सारे ये स्ट्रोक क्रीम वाले प्राइमर आते हैं, जैसे स्विस ब्यूटी का एक प्राइमर आता है. ठीक है, उसका भी मैंने रिव्यू बहुत पहले डाला था, लोगों का बहुत फेवरेट है बट मुझे नहीं पसंद क्योंकि उसमें ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. बट यस, कुछ स्ट्रोक क्रीम्स ऐसे हैं जिनमें ग्लिटर पार्टिकल्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतना कम होता है कि एकदम नेचुरल ग्लो यू नो आपके फेस पे देता है. सो डिपेंड करता है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. अगर आप डेली हैवी मेकअप करते हो या आपको वो ग्लिटर वो शाइन पसंद है, तो हो सकता है आप यू नो उस टेक्सचर की तरफ जाओ. सो आज मैं ये एक्वालॉजिका का यू नो की स्ट्रोक क्रीम का डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है बट आई शो यू इट्स टेक्सचर. ये इसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा थिक है. सो इस तरह की स्ट्रोक क्रीम है, इसमें कोई खास चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है. सो आप देख सकते हो कितना इजीली ब्लेंड हो गया है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो, आपको सामने ही दिख जाएगा, है ना. तो आप इसे मेकअप के अंडर यूज कर सकते हो, आप हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस पे यूज कर सकते हो, बट इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है. सो अगर आपको थिक वाले मॉइस्चराइजर या यू नो थिक वाली स्ट्रोक क्रीम्स नहीं पसंद है तो आप इसको मत लेना. अगर आपको थिन वाली चाहिए तो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ आप इकाई की स्ट्रोक क्रीम ट्राई कर सकते हो, उसमें ये पिंक वाला एक वेरिएंट आता है. बट इसमें वाटरमेलन है, नायासिनामाइड है, ठीक है, दोनों काफी कूलिंग इंग्रेडिएंट है. वैसे बिल्कुल भी नॉन यू नो चिपचिप नहीं करती, इट्स अ नॉन ग्रीजी स्ट्रोक क्रीम, डेली वेयर में परफेक्ट है. ये आपकी स्किन को इल्यूमिनेट भी करती है और हाइड्रेट भी करती है. ठीक है, उसके बाद एक्वालॉजिका एज अ ब्रांड के बारे में आप लोगों को सब पता ही होगा. इसमें वाटरमेलन है, नायासिनामाइड है, जो आपके एक्ने मार्क्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है. बट एज आई सेड, मैं स्ट्रोक क्रीम को एज अ मेकअप प्रोडक्ट लेती हूँ. मेरा जो स्किन के रूटीन है वो ऐसा होता है, आई वॉश माई फेस, आई पुट माई टोनर, सिरम लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन लगाओ डे टाइम है तो, उसके बाद मैं स्ट्रोक क्रीम लगाती हूँ. ठीक है, मैं प्राइमर ज्यादा प्रेफर नहीं करती ऑन अ डेली बेसिस. या तो मैं स्ट्रोक क्रीम के साथ कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन मिक्स कर लेती हूँ, या फिर मैं एक लेयर ऑफ स्ट्रोक क्रीम लगाती हूँ एंड उसके ऊपर फाउंडेशन लगाती हूँ. ठीक है, तो जैसा मुझे ठीक लगता है. तो डेली वेयर के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट.
मुझे काफी पसंद आया है। इसमें आई थिंक ये गोल्ड वाला वेरिएंट भी आता है, वो भी मैंने मंगवाया है, उसको भी मैं ट्राई करूंगी। सो फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर 599 रुपीज, ठीक है, और अराउंड 2 ईयर, हाँ 24 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इन्होंने लिखा है आपको इसको कैसे यूज करना है, इन्होंने पूरा पैकेजिंग पे डिटेल लिखा है। इन्होंने लिखा है कि आप इसे एज अ फेस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, आप अपने फाउंडेशन के साथ ब्लेंड कर सकते हो, अपने ब्लश के साथ ब्लेंड कर सकते हो, और या फिर आप अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, आपकी मर्जी, आप इसे जैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और फटाफट से ये आपकी स्किन पे ग्लो दे देगा। पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकी पैकेजिंग पे भी दी है एंड आपको एक्वालॉजिका की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, नायका वगैरह जहां से भी आप परचेज करते हो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको रेडिएंट लुकिंग स्किन देता है, एचडी ग्लो देता है और एकदम आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, बट स्टिल इट इज वेरी लाइट वेट। सो ये वीगन प्रोडक्ट है, क्रूल्टी फ्री है, कोई सल्फेट नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबेन नहीं है। ऑल गुड थिंग्स अबाउट दिस ब्रांड, आई एम श्योर एक्वालॉजिका के बारे में आपको पता होगा। 30 ग्राम्स का ये प्रोडक्ट है एंड ये है यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ, सो आपकी स्किन को काफी हाइड्रेट करके रखता है ये। सो आप मार्केट में, मैंने ना बहुत सारी स्ट्रोक क्रीम्स ट्राई की हैं, मैक की भी स्ट्रोक क्रीम, देन एज आई सेड इकाई की भी, मैं और भी ट्राई करती आ रही हूँ, स्विस ब्यूटी वगैरह की भी मैंने ट्राई किए हैं। सो इज इट वर्थ इट? सो 599 रुपीज की है एंड ऑनलाइन डिस्काउंट वगैरह पे आपको 350, 350 तक में मिल जाएगी, और बाहर ट्रैफिक घूम रहा है मेरे घर के, एनी विच वेज। सो या इज इट वर्थ इट? यस गाइस, इट इज टोटली वर्थ इट। डेली बेसिस पे अगर आप लाइट वेट मेकअप करते हो, ऑफिस जाते हो, यू स्टिल वॉन्ट दैट शाइन ऑन योर फेस, तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो। समर्स में मैं बोलूंगी स्ट्रोक क्रीम को ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है एंड हम पाउडर वगैरह से अपने फेस को सेट करते रहते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं बनता स्ट्रोक क्रीम का पूरे फेस पे। आप हाई पॉइंट्स पे यूज कर सकते हो, ठीक है, बट विंटर्स में मैट फाउंडेशन के अंडर या किसी भी फाउंडेशन के अंडर अगर आपको मिक्स करना है या पार्टीज में जा रहे हो, इवन ड्यूरिंग समर्स, आप इसे जरूर ट्राई करके जाओ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। काफी अच्छा टेक्सचर है इसका और मुझे काफी पसंद आया है एंड आई यूज इट एज अ मेकअप प्रोडक्ट, आई डोंट यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर जैसा कि इन्होंने लिखा है, तो आई यूज इट एज अ मेकअप प्रोडक्ट। सो या आई लाइक दिस प्रोडक्ट, सो या सो आई थॉट कि मैं अपना मिनी रिव्यू शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर द मिनी रिव्यू टुडे, आई होप आपको पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।